जय माता दी। भक्तों, आज हम जानेंगे कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना अजर अमर पद लौटाने क्यों आए माता सीता जी के पास। एक बार हनुमान जी आंखों में आंसू लिए माता सीता जी के चरणों में बैठ गई। तब माता सीता जी बोली कि लाडले वीर हनुमान, ऐसे उदास और आंखों में अश्रु लिए क्यों बैठे हो। तब बार बार माता सीता जी के पूछने पर हनुमान जी ने कहा कि माता, आपके द्वारा मुझे बहुत से वरदान मिले हैं। मुझे तो अजर अमर होने तक का वरदान मिला है, जबकि अमर तो कोई भी नहीं। लेकिन माता, मैं यह वरदान लौटाने आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे वरदान नहीं चाहिए जो मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी से दूर कर दें। तब माता सीता जी मुस्कराकर बोली कि बेटा, इन वरदानों के लिए तो देवता भी तरसते हैं, तुम क्यों वापस कर रहे हो। इतने में श्री राम जी वहाँ आ पहुँचे और बोले कि माँ और बेटे में क्या बातें हो रही हैं। तब सीता जी बोली कि हे नाथ, पता नहीं हनुमान को क्या हो गया है, यह मुझे मेरे द्वारा दिए अजर अमर आदि वरदान और पद लौटाने आया है। तब श्री राम जी बोली, क्यों हनुमान, तुम्हें क्या हो गया है, इन वरदानों के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तब हनुमान जी रोते हुए बोले कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने निज धाम पधार रहे हैं मुझे पृथ्वी पर छोड़कर। आपके बिना क्या मेरा इस धरती पर जीना होगा। मैं आपकी बृह अग्नि में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, बृह की अग्नि के विस्को मैं कैसे पचाऊंगा। तब प्रभु श्री राम जी बोले कि हनुमान, सीता के द्वारा दिए वरदान केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु संसार भर के कल्याण के लिए हैं। तुम यहाँ पृथ्वी पर रहकर दीनहीन जनों दुखियों का दुख दूर करना। श्री राम जी बोले कि मांगो हनुमान और वरदान मांगो, तुम और क्या चाहते हो। तब हनुमान जी बोले कि प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, आपका कीर्तन हो, जहाँ आपका नाम लिया जाए, वहाँ वहाँ मैं उपस्थित होकर आनंद लिया करूँ। तब सीता जी बोली कि प्रभु, दे दो वरदान। तब भगवान श्री राम जी बोले कि तुम नहीं जानती सीते, हनुमान क्या मांग रहा है। यह अनगिनत शरीर मांग रहा है। जितनी जगह मेरी कथा कीर्तन पाठ होगा, उतने शरीर मांग रहा है। सीता जी बोली कि आपका लाडला है प्रभु, वरदान दे दो। तब श्री राम जी बोले कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी बजरंग बली, जहाँ जहाँ हमारी चर्चा होगी वहाँ वहाँ पर पहरा तुम्हारा होगा, जहाँ जहाँ नाम हमारा होगा वहाँ वहाँ जिक्र तुम्हारा होगा। अब त्रेता से द्वापर के बाद कलयुग आवेगा, कलयुग में मुझसे ज़्यादा पूजा तुम्हारी होगी। जो प्राणी तुम्हारी शरण में आएगा वह हमारी भक्ति पाएगा। मेरे हर मंदिर में, मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर तुम विराजमान रहोगे और मेरे नाम नशे में चूर रहोगे। जो तुम्हारी शरण आएगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा, वह हर संकट से दूर रहेगा। इतना सुनकर बजरंग बली खुश होकर नाचने लगे और माता सीता तथा श्री राम जी का जय जयकार करने लगे। तो भक्तों, यह थी श्री राम जी और हनुमान जी की, सीता जी की कहानी। तो भक्तों, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।